गाइस गुड आफ्टरनून। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडियन ओवरसीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका जमा पर्ची से हम डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, इसे कैसे भरते हैं। तो वेल बड़ा आसान है इसको भरना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच दे रखा है, तो जिस भी ब्रांच में आप पैसे जमा करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो उस ब्रांच का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। यहाँ अपना क्रेडिट अकाउंट नंबर, जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है, उसको आप अपने पासबुक में चेक करके 2 से 3 बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर को आपको इस कॉलम जो दे रखे हैं इसमें भर देना है। जिस दिन भी आप जमा करेंगे उस दिन की डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। आपने अपना अकाउंट चुनना है, कौन सा सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, सेविंग बैंक है तो SBI में आपको टिक लगा देना है। जितना अमाउंट आप अपने अकाउंट में जमा करेंगे वो आपको वर्ड्स में लिख देना है, चाहे तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, और लास्ट में ओनली लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कर देना है साइन, डिपॉजिटर सिग्नेचर में आपको यहाँ पर साइन कर देना है, और साइन आप कोई भी कर सकें। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बैंक में दिया था वही साइन आपको करना है, कोई भी साइन यहाँ पे चल जाता है। एग्जैक्ट साइन आपको विड्रॉल स्लिप में देना होता है, लेकिन यहाँ आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ आपको अपना एड्रेस डाल देना है घर का, स्लिप और कैशियर क्लर्क ये आपको नहीं भरना है, ये बैंक जो कैशियर होगा वो अपने यहाँ पर साइन करेगा। यहाँ आपको जो भी अमाउंट आप जमा कर रहे हैं, जो अभी आपने यहाँ पर लिख रखी वर्ड्स में, ये आपको फिगर में लिख देनी है। 5000 जैसे कि मैं जमा कर रहा हूँ तो मैंने 5000 लिख दिया। लेजर फोलियो इनिशियल आपको छोड़ देना है। यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है जिसमें आप चाहते हैं आपको आपका मैसेज आए पैसे जमा होने का। तो ये थी हमारी बैंक कॉपी। अब आते हैं कस्टमर कॉपी, जिसे हम काउंटर फॉइल कहते हैं। तो ये आपको रिसीविंग तौर में वापस मिल जाती है, तो इसमें भी वही एंट्रीज करनी जो आपने अभी राइट साइड में बैंक कॉपी की ब्रांच में, ब्रांच का नाम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे खाता धारक का नाम, यहाँ पे आपको वो नाम देना है जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है। अपना अकाउंट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ वर्ड्स में फिगर में आपको लिख देना है कितना आप जमा कर रहे हैं, और यहाँ रुपीज़ यानी कि यहाँ वर्ड्स में लिखना है, यहाँ फिगर में लिख देना है, और यहाँ नीचे की कॉलम आपको छोड़ देना है साइन करने के लिए। तो फिलहाल आगे कॉलम इतना ही है, आगे कॉलम पूरी तरह से भर चुका है, चलते इसके रिवर्स फॉर्म में। वेल यहाँ पे आपको कैश का डिटेल देना है कि आप जो भी आप पैसा जमा करें अपने अकाउंट में किस फॉर्म में, 2500। फिलहाल जैसे मैं 500 में जमा कर रहा हूँ, तो 10 नोट जो होती है 5000 बनाती, तो मैंने 10 × 5000 लिखा, जो 5000 बनाता है 0 पैसा कर देंगे। बची हुई स्पेस को आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, और यहाँ टोटल में 5000 आपको यहाँ पर लिख देना है। वेल अगर चेक से जमा कर रहे हैं उस कंडीशन में, किस बैंक का चेक है, चेक का नंबर है, कितने अमाउंट का चेक है, ये आप जमा कर सकते हैं। वेल बता दूँ, ये जो डिपॉजिट स्लिप होती है ये चेक जमा करने की पर्ची भी कहलाई जाती है, तो इसने ये चेक की बकायदा एंट्रीज दी है। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में चेक जमा करेंगे तो ये कॉलम आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको चेक का नाम, ब्रांच का नाम, चेक का नाम और कितने अमाउंट की है ये आपको यहाँ पर डाल देना है। फिलहाल कैश में इस तरह से आपको भरना है जिस ढंग से मैंने आपको सिखाया, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बस इतनी एंट्रीज करनी, इसके बाद आपको कोई भी कैश काउंटर जहाँ पे पैसे जमा होते हैं वहाँ पे इस पर्ची को लेके और कैश लेके चले जाना है, जहाँ आपका कैश जमा हो जाएगा, और ये वाली जो हिस्सा है ये आपको वापस कर दिया जाएगा रिसिप्ट के तौर में, साइन और स्टैम्प लगने के बाद। तो बस इतनी एंट्रीज है। तो ये था वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बस करना ये इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन रेड रंग में दिया है, उसको आपको प्लस क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, तो इसमें इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कोई कमेंट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।